अतिक्रमण हटाओ अभियान ने मचाया छाता तहसील में तहलका। नगर पंचायत टीम ने रेड़ी पटरी पर सामान बेचने वालों का सामान किया जब्त। आपको बता दें कि नगर पंचायत छाता के प्रमुख मार्ग ओल्ड जीटी रोड सहित प्रमुख स्थानों पर लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी शिकायत शिकायतकर्ताओं द्वारा अधिकारियों से की गई थी। नगर में गली मोहल्ला रोड पर किए जाने वाले अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर पंचायत को निर्देशित किया गया कि जल्द ही अतिक्रमण को हटाया जाए। आज नगर पंचायत छाता अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम पर कस्बा के ओल्ड जीटी रोड मार्ग, रामनपाड़ा, पानी की बड़ी टंकी आसपास से अवैध अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण को हटवा दिया गया। वहीं अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी, यदि दोबारा से इन जगह पर अतिक्रमण किया तो जुर्माना लगाकर आपके सामान को जब्त भी कर लिया जाएगा। बता दें कि नगर पंचायत द्वारा की गई इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। इसी दौरान विष्णु आदि कुछ नगरवासियों ने नगर पंचायत द्वारा की गई इस कार्रवाई को भेदभाव वाली कार्रवाई बताया। नगर पंचायत छाता अधिशासी अधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि नगर के प्रमुख मार्गों पर जाम की समस्या बनी रहती है, शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। अभियान में पुलिस प्रशासन व्यस्तता कारण पुलिस बल कम मिला है, किसी के भी साथ में कोई भी पक्षपात वाली कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ लोगों के सामान को जब्त भी किया गया लेकिन उनको चेतावनी देते हुए उनका सामान वापस कर दिया है। आपको बता दें कि नगर में समय समय पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलता रहेगा। इसी दौरान अधिशासी अधिकारी जितेंद्र सिंह नगर पंचायत छाता के साथ प्रमोद कुमार व SI ट्विंकल सिंह सहित पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। जैसा बताया छाता में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला गया, कितना सामान जब्त किया गया, क्या कुछ प्रक्रिया रही आज? यहाँ छाता में जो मेन मार्केट है वहाँ पे जो जाम की समस्या रहती थी, इसके बारे में कई बार शिकायतें मिली थी, तो हम लोगों ने जो है नगर पंचायत छाता और जो पुलिस के साथ जो है हमने अभियान चलाया है। इसमें जो भी सामान जो रोड पे मिला, जैसे बेंच वगैरह या दुकानें वगैरह जो भी है, वो हम लोगों ने जब्त करा दिया। अच्छा, इसकी जैसे देखने को मिल रहा है कहीं पक्षपात भी हो रहा है? नहीं, कोई पक्षपात ही नहीं, सब एक समान कार्रवाई हुई है। जैसे कि पुलिस प्रशासन देखने को मिला है कि बहुत कम तादाद में रहा है? हाँ, पुलिस प्रशासन थोड़ा कम था लेकिन बाकी हमारे कर्मचारी पूरे थे। तो अच्छा, जैसे कि आदेशित किया गया है आपको SHO सहित पूरी टीम साथ में रहे, तो वो मेरे ख्याल से कहीं ड्यूटी लगी हुई थी, इस वजह से वो नहीं आ पाया, तो उन्होंने अपना स्टाफ भेजा है। अच्छा, सामान की जगह जैसे बुग्गियाँ भी आपने उठाई हैं? हाँ, बुग्गियाँ भी उठाई हैं और उसके बाद फिर छोड़ भी दिया गया है। हाँ, कुछ लोगों को चेतावनी देके, जो लोग बोल रहे थे अभी हम लेके जा रहे हैं, चेतावनी देके छोड़ दिया गया है। और वो कह दिया गया है कि जब अगली बार अभियान चलेगा तो कोई भी जो है बख्शा नहीं जाएगा, सबका सामान जो है जब्त कर लिया जाएगा। तो आप जो सामान जिनका जब्त हुआ उनका नुकसान हुआ उनको भी आप छोड़ सकते थे इसी तरीके से? नहीं, तो वो ले जाने तैयार नहीं थे ना, इसी वजह से उनको सामान जब्त किया गया। यानी अब आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी? आगे प्रक्रिया ये रहेगी कि समय समय पर जो है इस तरह जो है संयुक्त टीम बना के अभियान चलता रहेगा, जिससे जो है जाम की और अतिक्रमण की समस्या ना रहे।